मामूली विवाद को लेकर युवक की हुई हत्या। चकिया ब्लॉक जिला चंदौली यशवंत कुमार पुत्र छुन्नू चौहान उम्र 30 वर्ष की हत्या कर दी गई है। यशवंत कुमार को मारकर शव को नाले में रखकर भाग गए थे, जिसकी सूचना पाकर चकिया थाना प्रभारी सतेंद्र कुमार तथा शहाबगंज सीओ वंदना सिंह पहुंचे। छुन्नू चौहान के 5 बेटे में से सबसे छोटा बेटा यशवंत कुमार के 5 बेटियां हैं, जिनकी परवरिश को लेकर केराडीही गांव की जनता ने चकिया थाना का घेराव किया तथा दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। शव को ले जाने के लिए जनता से पुलिस को लोहे के चने चबाने जैसा हो गया था। तब जाकर मौके पर एसडीएम अजय मिश्रा, तहसीलदार फूलचंद यादव तथा लेखपाल हरमेश कुमार मौके के पहुंचकर हर संभव मदद करने का वादा किया और चकिया शहाबगंज पुलिस की साथ मिलकर घेराबंदी करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उनसे घटना को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। चकिया ब्लॉक जिला चंदौली से रिपोर्टर जयसिंह की रिपोर्ट। और उसके बाद हमारी जो बहन है उनके लिए परवरिश के लिए 1 करोड़ और उसके बाद हमारे बहने हैं 5 करोड़ चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है जो हत्यारे जो लोग हैं उनको या जिंदा या मुर्दा 2 घंटे के अंदर में प्रशासन बोली है कि देंगे हम। अब क्या आपके भाई की मृत्यु आज वही 9-10 बजे उनकी 10 बजे रात में हुआ है। हमारे जीजा है प्रशासन अभी तक क्या किया? कुछ नहीं किया प्रशासन। वो देख रही है बात बोलत रहा लोग ज्यादा अपने घर पर जा रहे थे उनको रास्ते में अटैक कर दिए उसको उनको बहुत जबरदस्ती मारा गया है। 1 लोग नहीं है उनको 10 लोग मारे गए हैं। 10 लोग मारे हैं 6 लोग 5-6 लोग मिलकर मारे गए हैं उनको मारे हैं गला दबाकर फाइटर का इस्तेमाल किया गया है। फाइटर जो उदाहरण इस्तेमाल किया गया है उसका गला जो कि दम से कसा गया है उसके बाद उसको किसराते हुए नाले में ढोक दिया गया था घास द्वारा मार के उसको नाले में ढक के उसकी गाड़ी बाइक जो है कि रार में रख दिए। और प्रशासन उसको जल्दी से जल्दी उसको कार्रवाई कराए। सर प्रदेश का आप लोगों का कौन सा जिला है? हमारा चंदौली जिला है। सीधे होगी सरकार को बोलिए